आज की जो वीडियो है इसमें इंसर्ट टैब में ही इलस्ट्रेशंस के बारे में करना है कि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट को अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कुछ इलस्ट्रेट करने के लिए, कुछ समझाने के लिए जो है वो कुछ पिक्चर्स, इमेजेस या चार्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो हम जो है वो कैसे कोई पिक्चर, इमेज या चार्ट या कोई शेप जो है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि जैसे भी कोई पिक्चर क्लिप आर्ट वगैरह, ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। और इंसर्ट टैब में जो है वो इलस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर, मान लो हमने कोई पिक्चर कि आपके कंप्यूटर में कोई इमेज, कोई पिक्चर सेव है, उस पिक्चर को आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में एंटर करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, तो उसको आप जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला रिबन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपने जो है वो पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जो है आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ रहेगा आपके पास जो है वो इंसर्ट पिक्चर, और इंसर्ट पिक्चर के साथ जो है वो कुछ दिखा देगा कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, किस किस लोकेशन पर, किस ड्राइव में है आपका, या पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे है, या माई डॉक्यूमेंट्स में है, या डाउनलोड्स में कहीं पर से है। और साथ में क्या है कि जो इमेजेस होंगी वो आपको जेपीजी या बिट मैप इमेजेस, वो डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस। तो अगर मान लो हमें जो है ये एक थंबनेल नाम की एक इमेज दिखाई दे रही है, इसको हमने इंसर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तभी आपके उसमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, या फिर आपने जस्ट उसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है और सिंगल क्लिक करने के बाद जो है आपने इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देना। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस इमेज के अंदर जो भी होगा वो आपके इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में एंटर हो जाएगा। इसका साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट्स को जो है आप ड्रैग करके अपने इस इमेज का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास इमेज के बाद क्या है, इस इमेज के बाद है हमारे पास क्लिप आर्ट्स हैं। क्लिप आर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक राइट साइड में आपके पास क्लिप आर्ट्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसमें जो है वो एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास कि डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, स्मॉल स्मॉल इमेजेस, स्मॉल पिक्स जो है वो, अगर छोटी सी आपने जो है वो किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए, शो करने के लिए दिखानी है, तो यहाँ से जो है उस तरह की इमेज आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। कि मान लो ये आपने कुछ क्रिकेट वाला शो करना है या खेलने वाला पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन शो करना है, तो उसके लिए आपने जैसे एक बार क्लिक किया तो एक बार आ गई, हमने दो बार क्लिक कर दिया तो हमारे पास जो है वो इमेज दो बार स्क्रीन पे शो हो रही है। तो इस तरह से हम जो है वो क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं ताकि स्क्रीन हमारी ब्लैंक हो जाए। फिर इंसर्ट मेन्यू में ही हमारे पास जो है उसके बाद ऑप्शन है शेप्स का। तो कुछ शेप्स अगर हमने इंसर्ट करनी है तो शेप्स क्लिक क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था कि आपके पास जो है वो कुछ शेप्स, ये जो आपने रिसेंटली यूज़ की होंगी उन शेप्स के बारे में दिखा देता है, रिसेंटली यूज शेप्स। लाइंस बनानी है आपने कोई, तो उसके लिए है बेसिक शेप्स हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कोई तो ब्रैकेट का साइन आपने बनाना है, ब्लॉक टाइप के एरोज बनाने हैं, फ्लो चार्ट शो करने के लिए बनाना है, कॉल आउट बनाना है, कुछ सोचने वाली बात बतानी है, कोई इस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मान लो जैसे हमने सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है तो सर्कल पे क्लिक किया आपने, सर्कल सेलेक्ट किया और जो है आपका सर्कल जो है यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको, इसका साइज़ हम जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर हमारे पास इंसर्ट में है स्मार्ट आर्ट्स। स्मार्ट आर्ट्स बेसिकली क्या है कि कुछ चीज़ें हमें जो है वो और अच्छे से समझाने के लिए, दिखाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, तो ये स्मार्ट आर्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें हमें जो है वो कुछ चीज़ें, ऑल में तो सारी सारी कंप्लीट चीज़ें आ जाएंगी, बट स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल मान लो कोई साइकिल दिखाना है हमने, किसी प्रोसेस को दिखाना है, तो प्रोसेस को दिखाने के लिए, किसी साइकिल को दिखाने के लिए जो हम बता सकते हैं कि इस तरह से जो है वो साइकिल आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, किन्हीं चीज़ों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, किस तरह का रिलेशन है, या कोई मैट्रिक्स आपने शो करनी है कि मेन पॉइंट ये है, उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पिरामिड की फॉर्म में शो करना है, तो ये आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मान लो हमने जो है वो कोई साइकिल शो करना था, हमने ये वाला डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सूट लगता है कि हमारे साइकिल को बेटर प्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन सही है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट टाइप का आपके पास जो है वो बन के आ जाएगा और इसमें जो है वो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। प्रोसेस नंबर, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 जो भी, जिस तरह से भी आप जो है उसमें प्रोसेस में शो करना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो है उसको एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए कलर्स के ऑप्शन हैं, वो मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास, जिससे हम उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसकी थीम चेंज कर सकते हैं, उसके
स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल ऑप्शन जो है यहाँ पर स्क्रीन पे आपको टॉप में डिज़ाइन में आ जाएंगे कि किस तरह का दिखाना है आपको। लग रहा था कि ये नहीं करना हमें, ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है, तो हम जो है यहाँ से भी उसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट है कि जिसमें आप जो है वो कुछ अपने स्पेसिफिकली चीज़ों को, प्रोसेस को, साइकिल्स को पिरामिड्स की फॉर्म में, तो इस तरह से कुछ शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास एक चार्ट का ऑप्शन रहता है इस पॉइंट में, तो चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट के लिए भी हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉलम चार्ट चाहिए आपको, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट बनाने हैं आपने, एरिया चार्ट बनाने हैं, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट बनाने हैं, स्टॉक को दिखाना है, कोई सरफेस चार्ट्स हैं आपके, डोनट चार्ट्स हैं, बबल चार्ट्स हैं, रडार की फॉर्म में शो करना है। तो वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आपको सूट करता है, जो आपकी डाटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चार्ट इंसर्ट करते हैं, मान लो हमने जो है वो कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, और जो है फिर आपको ओके पे क्लिक करना है कि जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस चार्ट पे सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके जो है स्क्रीन पर उस चार्ट के साथ साथ एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल भी ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो चार्ट है उस चार्ट को बनाने के लिए बेसिकली कोई ना कोई डाटा चाहिए, जिस डाटा के बेस पे वो चार्ट बनाया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपको हेल्प करता है चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज अपनी शो कर सकते हैं, मेल्स, फीमेल्स, टोटल, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो उस तरह से जो जो भी डाटा आप प्रेजेंट डाल एंटर करेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली चार्ट यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और नया बनाना चाहें तो नया बना सकते हैं, और जो डाटा आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चार्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास, और इसमें फिर आपके कलर ऑप्शन हैं, डिफरेंट थीम्स हैं यहाँ पर, और उन कलर